लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे हो चुके हैं, जिसके एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं, लेकिन अब सबकी नजरें उन नतीजों पर है जो 4 जून को आने वाले हैं। पर आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण में पूरी यूपी की 6 सीटों के प्रत्याशी क्यों टेंशन में हैं? तो हम आपको बता दें कि भीषण गर्मी और उमस के बीच आय वोटिंग प्रतिशत ने कईयों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। पूरी यूपी की सबसे वीआईपी सीट माने जाने वाली गोरखपुर सदर लोकसभा सीट के मतदाताओं ने प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को काफी ज्यादा निराश किया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 59.79% वोटिंग हुई थी, तो वहीं इस बार वोटिंग प्रतिशत 5.1% घटकर 54.69 पर आ गया है। महाराजगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 60.17% मतदान हुआ है, जो कि 2019 चुनाव के मुकाबले 3.9% कम हुआ है। 2019 में इस सीट पर मतदाताओं ने 64.7% मतदान किया था। खुशीनगर सीट में तो साल 2019 के चुनाव में 59.79% वोटिंग हुई थी, इस बार वोटिंग 2.9% घट गई है। इस बार महज 57.29% वोटर ही घर से मतदान स्थल तक पहुंच पाए हैं। सलेमपुर में इस बार के लोकसभा चुनाव में 51.25% वोटिंग हुई है। साल 2019 के चुनाव में यहां 55.43% वोटिंग हुई थी। सलेमपुर में इस बार के चुनाव में 4.18% की गिरावट मतदान में दर्ज की गई। ऐसे ही बांसगांव लोकसभा सीट में 51.59% वोटिंग हुई, जबकि साल 2019 के चुनाव में यहां 55.38% वोटिंग हुई थी। यहां 3.79% वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई है। देवरिया लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर इस बार 55.30% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार के 57.90% से इस बार 3.9% कम है। देवरिया से पहली बार बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर पूरी यूपी के इन अहम 6 सीटों पर उम्मीद से ज्यादा मतदान कम हुआ है, जिससे प्रत्याशी तो प्रत्याशी राजनीतिक पार्टियों की भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब इस कम मतदान में कौन सी सीट किस सियासी दल को मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।